मेकर्स को लगा फिल्म के प्रमोशन को लेकर बड़ा झटका। फिल्म के कौन से वर्जन प्रमोशन को मिला गुड रिस्पॉन्स? क्या एसएस राजमौली और जयंती लाल गड़ा में होने वाले हैं रिलीज को लेकर क्लैश? एसएस राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म आरआरआर में रामचरण और जूनियर एनटीआर लीड में है। प्री इंडिपेंडेंस के टाइम में सेट फिल्म में दो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स कोमाराम भीम और अलूरी सीताराम राजू की फिक्शनल कहानी नरेट कर रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं बाहुबली के मशहूर डायरेक्टर एसएस राजमौली की आने वाली मल्टी स्टारर मास्टरपीस आरआरआर के बारे में। बॉलीग्राज स्टूडियोज में आपका स्वागत है। आज हम आपको इस फिल्म से जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। किसी भी बड़ी फिल्म के लिए उनके प्रमोशन और गानों के रिएक्शन बड़ी सफलता का वादा करते हैं, विशेष रूप से जब एक बड़ा बजट और स्टार कास्ट शामिल हो तो रिस्क बहुत अधिक होता है और टीम हमेशा अपने प्रमोशन और अपने गाने की रिलीज के बारे में बहुत सावधान रहती है ताकि फ्लिक के लिए नीडफुल हाइप और एंटिसिपेशन पैदा हो। आरआरआर की बात करें तो अनडाउटेडली ये इस साल की रिलीज होने वाली सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। रामचरण, जूनियर एनटीआर, अजय देवगन और आलिया भट्ट जैसे स्टार कास्ट और एसएस राजमौली द्वारा अभिनीत आरआरआर ने इस फ्लिक की अनाउंसमेंट के बाद से ही मेगा प्रमोशन शुरू कर दिया था। बाहुबली के बाद राजमौली से उम्मीदें काफी बढ़ गई है और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, निर्माता ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि प्रमोशन जारी है और फिल्म पूरे भारत में एक ब्लॉकबस्टर साबित हो। लेकिन ऐसा लगता है कि फिल्म के प्रचार को झटका लगा है क्योंकि इसके मच हाइप्ड दोस्ती सॉन्ग को एज एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिली है। फेमस म्यूजिक डायरेक्टर MM केरवानी द्वारा कंपोज ये सॉन्ग लगभग एक महीने पहले रिलीज किया गया था और उम्मीद की जा रही थी कि ये चार्ट को तोड़ देगा और एक बहुत बड़ा हिट बन जाएगा। गाने की धुन बहुत ही कैची है और आरआरआर टीम ने सोशल मीडिया पर इसे एग्रेसिव तरीके से प्रमोट करने के लिए हर संभव कोशिश की। 10 दिनों में इस गाने के तेलुगु वर्जन ने कभी करीब 15 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं, जबकि बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी द्वारा गाए हिंदी वर्जन को सिर्फ 11 मिलियन व्यूज मिले हैं। तो कुल मिलाकर 25 मिलियन व्यूज है, जो कि अच्छा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि गाने को ब्लॉकबस्टर बना सके। एक्सीडेंटली तमिल, कन्नड़ और मलयालम में अन्य रीजनल वर्जन को एक साथ केवल 6 मिलियन बार देखा गया, जिसका मतलब है कि आरआरआर के दोस्ती सॉन्ग का केवल तेलुगु और हिंदी वर्जन दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब रहा है, जबकि अन्य वर्जन दर्शकों को पसंद नहीं आए हैं। स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए छोटी रीजनल फिल्म के लिए ये नंबर काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन आरआरआर के विशाल कैनवस और इसकी पैन वर्ल्ड रिलीज की योजना को देखते हुए ऐसा लगता है कि निर्माताओं को आने वाले दिनों में दर्शकों का अधिक अटेंशन गेन करने के लिए कुछ खास करना होगा, जब वो दूसरा गाना या टीजर लेकर आए। एसएस राजमौली की आरआरआर का बार बार पोस्टपोन होना अब एक तरह का एंटी क्लाइमैक्स पर पहुंच गया है। सोर्सेज के अनुसार निर्माता जयंतीलाल गड़ा, जो नॉर्थ इंडिया के सभी डिजिटल और सैटेलाइट राइट्स के मालिक हैं, अब चाहते हैं कि राजमौली ओटीटी रिलीज के लिए सहमत हो। थिएटर में ऑडियंस की अटेंडेंस अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल पर है। गड़ा मान रहे हैं कि अक्षय कुमार भी दर्शकों से घरों से निकलकर सिनेमा घरों तक नहीं खींच सके। गड़ा अब राजमौली को थिएट्रिकल रिलीज की वेट करने के डिसीजन को जिद के रूप में देखते हैं। जहां राजमौली आरआरआर को ओटीटी पर न जाने देने के अपने फैसले पर अड़िग है, वहीं गड़ा भी उतनी ही जोर दे रहे हैं कि फिल्म को डिजिटल रूप से रिलीज किया जाए। लेकिन फिल्म निर्माता हर फिल्म को बड़े प्यार और जुनून के साथ बनाते हैं और वो इंतजार करना चाहते हैं। राजमौली की आरआरआर उन बहुत कम हाईली मैच्ड और वेटेड इंडियन रिलीज में से एक है, लेकिन कई रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कई बड़ी फिल्मों की रिलीज अभी भी रुकी हुई है। गड़ा और देरी से बचना चाहते हैं, वो मैग्नम ऑपस के मैन डिस्ट्रीब्यूटर में से एक है। रामचरण, जूनियर एनटीआर, आलिया भट्ट और अजय देवगन स्टारर इस फिल्म से सभी को काफी उम्मीदें हैं। बाहुबली फ्रेंचाइजी के बाद उम्मीदें भी आसमान पर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि राजमौली ने आरआरआर की रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला किया है। क्रिएटिविटी और बिजनेस के बीच ये डिफरेंस होता है और इस मामले में मेकर्स किसी भी तरह से गलती नहीं कर सकते। तो आप कितना एक्साइटेड हैं आने वाली इस मल्टी स्टारर मास्टरपीस के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।